उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में नववर्ष को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने 2 दिसंबर की रात मेरठ के मशहूर कसाना डीजे को आमंत्रण दिया। वहीं सभी नगरवासियों ने मिलकर नववर्ष का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया। वहीं इसके साथ ही कसाना डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरके। जेसीपी पार्टी अध्यक्ष भावना पांडे ने हरिद्वार लोकसभा के सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रण दिया था। रविवार की सुबह उनके मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसमें विद्वान आचार्यों ने हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन किया था, जिसके चलते 2 जनवरी की शाम को भावना पांडे हरिद्वार ऋषिकुल मैदान पहुंची तो आकर्षक आतिशबाजियों के साथ लोगों ने भावना पांडे का स्वागत किया, जिसके बाद आतिशबाजियों और कसाना डीजे की धुन ने सभी लोगों का मन मोह लिया। बड़ी ही धूमधाम के साथ हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने नए साल का जश्न सभी हरिद्वार लोकसभा की जनता के साथ मिलकर मनाया। गलत लोग किया है उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भाजपा का कोई बड़ा ही दुश्मन है जो भाजपा से इतने गलत डिसीजन करा रहा है। तमाम देखिए किसानों के मामले में देखो, हर तरह के डिसीजन क्यों मोदी सरकार उल्टे कर रही है, लगता है इनके उल्टे दिन आने शुरू हो गए। ये मैं कल भादराबाद टूर में थी, मैं सारे ड्राइवरों के साथ हूँ पूरे देश के। ये बहुत गलत है, इनको कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा। पहले तो इनको कानून ख़त्म करना पड़ेगा, अगर किसी कारणवश अगर ये नहीं करना चाहते कानून तो ख़त्म, उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे। और देखिए, एक तो गरीब आजकल नौकरियाँ तुम बेच देते हो और वो अपने ज़मीन को गिरवी कर कर गाड़ी लेता है, अपनी किस्तें निकालता है, किस तरह वो पेट्रोल निकालता है, किस तरह वो अपनी तनख्वाह बच्चों का गुजर बसर करता है, उसको भी आप चैन से नहीं दे रहे हो। बड़ा दुर्भाग्य, एक गरीब आदमी जो अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, वो 7 लाख रुपये कहाँ से देगा? आप सोचिए, कोई ड्राइवर ये चाहता है कि मैं किसी का एक्सीडेंट करूं, अपनी गाड़ी का भी नुकसान करूं और दूसरी का भी नुकसान करूं? ये बहुत गलत है। किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब हुआ है मुझे नहीं पता, मैं इसकी गहराई में अभी गई नहीं हूं। और मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी शख्स कभी न दूसरों को नुकसान है न अपने को। तो एक तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान बहुत गलत है और दूसरा 7 लाख रुपये कहाँ से देगा, आप सोचिए। तो ये गरीबों के पेट पे लात है और आज जनता इनको बहुत बुरा सबक देने वाली है। अगर इन्होंने कानून में बदलाव नहीं किया, कानून चेंज नहीं किया, तो पूरे देश के हड़ताल के पेट्रोल पंप बंद हैं और जनता परेशान हो रही है और क्या कहते हैं गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। मुझे बोर्ड से पढ़ पढ़ के जो लोगों ने बाहर जाना था, हरिद्वार बस स्टेशन से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम, मैंने कहा भैया पूरा देश में ये काला कानून लाएँ तो मैं कैसे गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ? ड्राइवर लोग हड़ताल पर, जब मैं खुद ड्राइवरों के साथ हूँ तो मैं कैसे गाड़ी स्टार्ट कर सकती हूँ? तो मैं पूरे उत्तराखंड के क्या पूरे देश के ड्राइवरों के साथ हूँ। और आज मेरा प्रोग्राम था, कल मैं भादराबाद थी टोल पे और कल मैं रुड़की और हरिद्वार जहाँ मुझे ये लोग आंदोलन करेंगे मैं शरीक होंगे। महंगे महंगे हेलीकॉप्टरों में घूमते हो, अब कहाँ उनको ट्रक और ड्राइवर वाले समझ में आते हैं? अब तो जनता बस वो सोचते हैं जनता गुलाम, अंग्रेजों ने भी इतना गुलाम नहीं किया था, अंग्रेजों ने भी छूट दे रखी थी कुछ, मगर तुम तो अंग्रेजों के भी इससे भी ऊपर निकले। बड़ा दुर्भाग्य, मैं देखती हूँ जो टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था ये टैक्स उन्होंने लगाया। आपने देखा होगा, मैं जब देवाश्रम बोर्ड बना था मैं 4 धाम के सारे लोगों से मिलने गई, अंग्रेजों ने उस मंदिर में कभी वसूली नहीं करी, इन्होंने करी। हर काम वो करते जो अंग्रेज नहीं करते थे, तो आज ये अंग्रेजों से ऊपर हो गए। तो आज पूरा देश गुलाम है, जनता गुलाम है। क्या इनकी ईवीएम में छेड़छाड़ है, क्या इनका चक्कर है? अभी आप देखिए लोकायुक्त के मामले में, चुनाव कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर के मामले में इन्होंने जज साहब को बाहर कर दिया, किसी को कुछ नहीं समझ रही भाई इनका। मैं तो कहती हूँ जो अभी नए CGI साहब आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि EVM को हटा दे, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। और मैं आपको बता दें, मोदी जी चाहे अमित शाह हो चाहे भाजपा वालों, मेरी जनता मुझे इस बार वोट दे रही है वोट। अगर मेरे सब जगह छेड़छाड़ करना, यहाँ मत करना, अगर मेरे यहाँ छेड़छाड़ करोगे तो मैं छेड़ दूँगी, फिर मैं बता दूँ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।